दोस्तों, वायु परिवहन संघ सूची का विषय बनाया गया है, इसलिए राज्य में वायु मार्गों व आवश्यक सुविधाओं के विकास विस्तार का दायित्व पूर्णतः केंद्र सरकार का होता है। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में टोटल 486 एयरपोर्ट्स हैं, जिनको एयरपोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स, फ्लाइंग स्कूल और मिलिट्री एयरपोर्ट्स में बांटा गया है। इनमें 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पास 11 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बाकी कमर्शियल एयरपोर्ट और मिलिट्री एयरपोर्ट्स हैं। नागरिक एयरपोर्ट्स में हम आज राजस्थान के प्रथम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर की बात करेंगे। यह जयपुर सांगानेर में स्थित है। इसे 2005 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की अधिसूचना जारी की गई व 2006 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। उसी के साथ जयपुर भारत का 14th इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। और दोस्तों, अब इस एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। इसे 2015 व 2016 में एसीआई की रिपोर्ट में वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। राजस्थान का दूसरा प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर है। यह डबोक उदयपुर में स्थित है। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही विदित है, इस एयरपोर्ट का नाम मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा कोलाना झालावाड़ में स्थित एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना प्रस्तावित है। कोलाना एयरपोर्ट की मालिक राज्य सरकार है और वो ही इसकी देखरेख पर रखरखाव करती है। राजस्थान में 3 घरेलू एयरपोर्ट हैं, कोटा एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट एंड किशनगढ़ एयरपोर्ट। कोटा एयरपोर्ट कोटा की रॉयल फैमिली ने कोटा राजस्थान में बनवाया था, जिसको 1951 में गवर्नमेंट द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। जोधपुर एयरपोर्ट का पुराना स्वरूप जोधपुर फ्लाइंग क्लब के रूप में महाराजा उम्मे सिंह ने 1920 में चीता पैलेस के पास करवाया था। वहीं तीसरा घरेलू हवाई अड्डा किशनगढ़ अजमेर में है। दोस्तों, यह नेशनल हाईवे 8 पर स्थित है और इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2017 में किया गया है। सैन्य हवाई अड्डे ऐसे एरोड्रम एक एयरबेस होते हैं, जिनका उपयोग सैन्य विमान के संचालन के लिए सैनिक बलों द्वारा किया जाता है। हमारे राजस्थान में इन सैनिक हवाई अड्डों को भूमिगत और सामान्य हवाई अड्डों में कैटेगराइज किया गया है। भूमिगत हवाई अड्डे नाल बीकानेर में व दूसरा भूमिगत सैन्य हवाई अड्डा उत्तरलाई बाड़मेर में स्थित है। वहीं सामान्य सैन्य एयरपोर्ट्स जैसलमेर, फलोदी जोधपुर व सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। इस वीडियो में हम प्रस्तावित एयरपोर्ट्स की बात करेंगे। राजस्थान के कोटा के शंभूपुरा क्षेत्र में अगस्त 2019 में एक नया हवाई अड्डा बनवाना प्रस्तावित है। कोट कासिम अलवर में एक हवाई पट्टी बनवाना और वहीं अलवर के नीमराणा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट जोन का ध्यान रखते हुए ग्रीन एयरपोर्ट बनवाना प्रस्तावित है। राज्य में कई निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियां भी हैं। हवाई पट्टी से मतलब एयरपोर्ट पर पक्की लंबी सड़क का होना होता है, जिस पर चलकर हवाई जहाज उड़ते हैं और उतरकर चलते हुए ठहरते हैं। हवाई पट्टी कहलाती है। बिरला ग्रुप की हवाई पट्टी पिलानी में, अडानी ग्रुप की हवाई पट्टी बारा में, राजसमंद में जेके ग्रुप की जो कि काकरोली में है, वहीं टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की हवाई पट्टी स्थित है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।